हम डेवलपमेंट के हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ हमारी जो PMN की जो एक वोट बैंक के अलावा भी एक जो जनरल जो एक गैर जानबदार वोट है वो भी उसका रुझान भी इसी तरह। और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फौज से वाबस्ता हैं और आज से नहीं है, कई नस्ल दर नस्ल लोग आ रहे हैं। ना मई का जो ये इंसिडेंट हुआ है उससे हमारे ओवरऑल लोगों के अंदर एक खासी बेचैनी है और लोगों ने इस चीज को बड़े शिद्दत के साथ महसूस किया है कि ये हमारे यहाँ इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी नज़ीर मिलती नहीं है। तो मैं समझता हूँ जी किसी भी लीडर को तो विजनरी होना चाहिए, ये नहीं है कि आप एक चीज आज गुस्से में या किसी और आप अपने ऊपर काबू ना रखते हुए या अगर आप इकतदार से बाहर हैं तो आप कहेंगे अगर मैं नहीं हूं तो फिर कोई भी नहीं है। दिनों के अंदर अंदर ही वो इतना उनके अंदर ये दम तब्दीली है तो यकीन ये हैरत की बात है। अब तो यही है कि फिर आप में इस्तकामत नहीं, बाकी लोग भी तो खड़े रहते हैं जी आपके सामने, आप खुद इस चीज को आप देखते रहे हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें सख्तियां भी बर्दाश्त की है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं चौधरी फरुख अल्ताफ के पास। फरुख साहब का सियासी डेरा बड़ा पुराना है, नस्लों से सियासत कर रहे हैं और उन्होंने इस सियासत के जरिए फवाद चौधरी की सियासत को भी जला बख्शी। अब बड़ा इशू ये है कि फवाद चौधरी जैसे लोगों के जाने के बाद तहरीक इंसाफ का वोटर है वो कहाँ पे खड़ा है, उनके जो मुखालफीन हैं वो इस तमाम PTI के अंदर जो आपको तूफान नजर आता है उसको कैसे असेस कर रहे हैं? हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है झेलम इसमें जो हमारा हलका है इसमें इंशाल्लाह ताला जो हम PMLN है उसके वोट और जो काम डेवलपमेंट के हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ हमारी जो PMLN की जो एक वोट बैंक के अलावा भी एक जो जनरल जो एक गैर जानबदार वोट है वो भी उसका रुझान भी इसी तरह। देखिए जी महंगाई का जो आप बात कर रहे हैं वो तो सर्टनली उसका एक आम आदमी से लेकर जो लोअर मिडिल क्लास के मतलब तबका जितना है वो इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो अभी पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसे जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे घी है या हमारी वीट है या आटा है इन चीजों में काफी रिलीफ मिला है। फिर आपने देखा है कि हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी एक खतरखा कमी आई है। अब इस तरह के जो मैयर्स हैं अगर आने वाले वक्त में जो मजीद हम इस तरह की जो एसेंशियल कम्युनिटीज हैं जो हर आदमी का इस्तेमाल की चीजें हैं उसमें अगर इसी तरह ये ट्रेंड रहता है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो काफी मस्बत तब्दीली होगी। उसमें सब बात यह है कि जो 9 मई के बाद का जो हालात बने हैं बुनियादी तौर पर जिस जिले में आज आप तशरीफ लाए हैं झेलम ये एक खास बैकग्राउंड रखता है और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान का एक ट्रू फेस है और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फौज से वाबस्ता हैं और आज से नहीं है, कई नस्ल दर नस्ल लोग आ रहे हैं। ना मई का जो ये इंसिडेंट हुआ है उससे हमारे ओवरऑल लोगों के अंदर एक खासी बेचैनी है और लोगों ने इस चीज को बड़े शिद्दत के साथ महसूस किया है कि ये हमारे यहाँ इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी नज़ीर मिलती नहीं है। हमारे यहाँ फौज का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और खास तौर पर जैसे मैंने गुजारिश की है कि हमारा जिला भी जो हमारा बैकग्राउंड है हमारा हर गांव में हर घर में लोग जो हैं वो किसी न किसी हवाले से फौज के पेशे से मुंसलिक हैं और पाकिस्तानी फौज जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सबके लिए पाकिस्तानियों के लिए लेकिन मैं अपनी बात करूं कि हमारे जिले में सबसे ज्यादा लोग का एक अटैचमेंट है इस अदारे के साथ। देखिए यकीनन जो 9 मई का जो वाकया है वो तो टर्निंग पॉइंट है जी। रह गया दूसरा आपका सवाल कि इससे पहले जो था तो यकीनन उससे पहले भी जो उनका जितने भी उनके इकदाम थे जैसे कि असेंबलियों को डिजॉल्व करना या फिर जो नेशनल असेंबली से पहले रेजिग्नेशन दिए उसके बाद फिर कहा कि नहीं हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ जी किसी भी लीडर को तो विजनरी होना चाहिए, ये नहीं है कि आप एक चीज आज गुस्से में या किसी और आप अपने ऊपर काबू ना रखते हुए या अगर आप इकतदार से बाहर हैं तो आप कहेंगे अगर मैं नहीं हूं तो फिर कोई भी नहीं है। लेकिन मामला भी था आप बिल्कुल सारे लेकिन सर वो सारी चीजें उनका क्या इंपैक्ट आया, उनमें से कुछ चीज प्रूव हो सकी है? एक बार उन्होंने एक चीज को बड़ी शिद्दत से बयान किया उसके बाद वो चीजें खत्म हो गई ना, साइफर का मामला बाद में उठा
ना जो मैंने जो असेंबलियां थी नेशनल असेंबली से जिस तरह उन्होंने रिजाइन किए फिर कहा जी के वापस लिए जाए वो भी आपके सामने है, फिर जो प्रोवेंशियल असेंबली को डिजॉल्व करना था वो भी आपके सामने, जहां दोनों प्रोवेंसेज जहां की हुकूमतें थी तो उन्होंने उनको डिजॉल्व किया, उसमें जाहिर है कि जो मेजोरिटी ऑफ जो लोग थे उस पार्टी के अंदर उनकी उसमें वो इस बात पर वो खुश नहीं थे, लेकिन क्योंकि पार्टी लीडर ने इसके ऊपर बड़ा इंसिस्ट किया, बड़ी जिद की कि ये नहीं होने चाहिए। अब उसके पीछे क्या चीज का फरमा थी, वो शायद ये प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे थे कि अगर सारे असेंबलियां ये सब खत्म हो जाएं तो फिर शायद गवर्नमेंट सस्टेन ना कर सके। उसके पीछे जो मेरी सोच है वो यही था, कौमी असेंबली को डिसॉल्व करवाना, वही ना वो उनके जो उससे उनका मकसद ये था कि ये अगर मैं नहीं हूं तो फिर कोई भी ना हो। वो जो आपसे मैंने पहले जो मैं ये बात कर रहा था कि एक लोग जो होते हैं अगर किसी एक प्रोमिनेंट जगह पर हों और उसके बाद फिर जैसे आपने कहा कि चंद दिनों के अंदर अंदर ही वो इतना उनके अंदर ये एकदम तब्दीली आए तो यकीन ये हैरत की बात है। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए ये मैं समझता हूँ कि फिर उसकी जो मेरे इल्म में तो या जो मेरे उसका मैं मेरे पास जवाब तो यही है कि फिर आप में इस्तकामत नहीं, बाकी लोग भी तो खड़े रहते हैं जी आपके सामने, आपके खुद इस चीज़ को आप देखते रहे हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें सख्तियाँ भी बर्दाश्त की है लेकिन अपनी जगह पर हैं, यहाँ तो ऐसी बात ही कोई नहीं। सर ये तो आपसे कोई डका छुपा नहीं है कि वो किस तरह भागे हैं, उनको ऐसे भागना ही चाहिए था, तर्जमानी दी हुई थी खान साहब ने उनको, ये तो उनकी मिसेज भी कह रही है कि हुबा चौधरी है जो कि फवाद चौधरी जो है इमरान खान के बगैर जनरल काउंसलर भी नहीं बन सकता, बाकी एमएनए एमपीए बनना तो बहुत दूर की बात है। नहीं भाई साहब इस बारे में मैं बिल्कुल कहूँगा कि उन्होंने बुजदिली का मुजहरा किया है, जो खान जो लीडर होता है ना जिसने आवाम में जाना होता है उसने अपना एक अमेजमेंट कायम रखना होता है, जैसे आपने व्हाट्सएप है यूट्यूब है देखा कि उस तरह किस तरह उन्होंने भागा है और पूरी दुनिया ने देखा है, कल वो आवाम में आएंगे तो किस मुंह से आएंगे कि ये जो है ना मैंने मुझसे क्या काम हुआ। लीडर जो होता है ना लीडर होता है जो वो जो भाग बात के और डट जाए। हम क्या कह देते हैं वक्त की बात होती है इन लोगों के और अपने वक्त के मुताबिक ये लोग फैसले करते हैं, बेहतर तो इनके लिए यही था साथ देते खान साहब के, बारी उनकी अपनी जाति सियासत है क्या फायदा उससे उठाता है या नुकसान उठाता है, ये इन लोगों की अपनी सियासत है। दिलेरी थी ना वो आ गए ना, दिलेरी जी थी इसीलिए भागे, दिलेरी से ही भागे ना, बुजदिल तो वैसे ही गिर जाता है उधर डर कर, उसे जान बचाने नहीं चाहिए, उसका काम था भी डट का मुकाबला करना, इंशाल्लाह बाकी वो बुजदिल आदमी है, पाकिस्तान के अच्छा आदमी है, पीटीआई के लिए बहुत बुजदिल आदमी निकला है। ये उनका अच्छा इकदाम नहीं था, मुकाबला करना चाहिए था उनको, जैसे वो बातें करते रहे हैं वैसे ही बात करनी चाहिए थी, भागना नहीं चाहिए था। अल्लाह तुम्हें कामयाबियां दे, बहुत शुक्रिया, तकीदा बहुत मजा, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। हम यकीन करें हाथ उठा के ये दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला कोई मेडिकल को जादू हो जाए कि हमें 2017-18 में वापस ले जाए, जब नवाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आजम था तो मुल्क तरक्की कर रहा था, हमारा गुजरांवाला इसकी मिसाल है, अभी आप बाहर से आए हैं ये फ्लाईओवर बना हुआ है, जितने तरक्याती काम हुए 2017-18 में हुए और गुजरांवाला ने तरक्की की, पाकिस्तान ने तरक्की की हर चीज में, यानी कि आप बेमिसाल है। आप मुझे बताएं 3.5 साल पीटीआई का दो था कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, सिर्फ क्या उसने कट्टे दिए हैं, औरतों को मुर्गियां दी हैं, बकरियां दे दी हैं, अब ये कोई ये इसका सेंस थी और उसने वही मुल्क को ले आया, नुकसान कर दिया, 3.5 साल में मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन इंसाफ की कैफियत क्या है और नून लीग अपने आप को सियासी तौर पर रिवाइव्ड क्यों महसूस करती है? लेकिन इंतखाबात होने से पहले काफ़ी महीने अभी बाकी हैं और पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि एक दिन के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, जैसा कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद देखा।